नमस्कार, आर एन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा, प्रेम और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में उनके पावन पर्यटक पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराने की तैयारी है। ये पहला अवसर होगा जब देश के कोई प्रधानमंत्री बुद्ध जयंती पर उनके महापरिनिर्वाण स्थली पर उनकी आराधना करेंगे। प्रियम, इसी दिन वाया कुशीनगर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी भी जाएंगे। आपको बता दें कि सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा पर कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम ऐतिहासिक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ही महापरिनिर्वाण स्थली पहुंचकर तैयारी और सुरक्षा व्यवस्थाओं का सघन जायजा लिया। एक एक बिंदु की पड़ताल की गई और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी के आगमन पर हर व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। बता दें कि 16 मई सोमवार को कुशीनगर और लुम्बिनी की पीएम मोदी की यात्रा के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को ही वाराणसी से सीधे कुशीनगर पहुंचे। यहां उन्होंने पीएम के लिए बने हेलीपैड से लेकर मुख्य महापरिनिर्वाण मंदिर तक जाने की पूरी व्यवस्था की बारीकी से परख की। तैयारियों का जायजा लेने के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष पूजा करने के साथ ही चीवर भी चढ़ाया। इसी के बाद उन्होंने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ एक बैठक कर तैयारियों और सुरक्षा इंतजाम पर चर्चा की, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। और आगरा की एसएन इमरजेंसी में अचानक से डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक रुक गए और जैसे ही वो रुके तो डिप्टी सीएम के अचानक रुकने से पूरी इमरजेंसी में हड़कंप मच गया। तो वहीं इस दौरान डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तीमारदारो का हाल जानने पहुंचे। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अचानक इमरजेंसी के औचक निरीक्षण में व्यवस्थाएं भी टटोली। बताया जा रहा है कि आज ही एक मरीज को अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल से बाहर निकाल दिया था और अस्पताल से बाहर निकाले गए इस मरीज को स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने दोबारा भर्ती कराया। साथ ही वहीं सख्त तेवर में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये मरीज अस्पताल के बाहर बैठा है और काफी बुरी हालत में यह है, जहां इसने अपनी पीड़ा यहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को बताई है, जिसके बाद उन्होंने इसकी समस्या सुनी और इसके बाद दोबारा एक बार इस मरीज को भर्ती किया गया है। साथ ही सख्त लहजे में डॉक्टर्स को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ताजनगरी आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के फतेहाबाद रोड पर उस समय भगदड़ मच गई जब फतेहाबाद रोड पर बनी एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग में आग की लपटें उठने लगी और भीषण आग को देखकर सड़क पर लंबा जाम लग गया है। आपको यह भी बता दें कि जिस इमारत की ऊपरी मंजिल में आग लगी थी उसी के नीचे एक परिवार भी रहता है और अगर आग की जानकारी होती तो परिवार के लोगों समेत आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को सूचना दी गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते उसने बिल्डिंग के दूसरे हिस्से को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड के अधिकारी पहुंचे, साथ ही स्थानीय पुलिस भी वहां पहुंच गई और इसी के साथ सघन कार्रवाई करते हुए कोशिशों के बीच फायर ब्रिगेड ने अधिकारियों ने बताया है कि इमारत के ऊपरी हिस्से में आग लगी थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लेकिन फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर बुला ली गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान कोई भी जानहानि की खबर नहीं है। सूचना मिली थी प्रेसिडेंट होटल के पास में कई कंडम सामान में है, कंडम पार्ट जो सामान भरा हुआ है, स्ट्रक्चर पूरा स्क्रैप है, उसमें आग लगने की सूचना मिली थी। वहाँ हम लोग तुरंत आए, इसको देखा कि हम लोगों ने देखा कि आग जो है दूसरी मंजिल फर्स्ट फ्लोर पे जो कंडम स्क्रैप पड़ा हुआ है उसमें लगी है। संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि इसमें हो सकता है कि कारकर्ता। तो इस शहर में एक बार फिर से दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं।
इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है जहां पर घर में घुसकर एक महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट की गई। मामला है बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के उमरिया गांव का, जहां शादी के बाद पंचायत को लेकर विवाद हो गया था और इसी विवाद के चलते कुछ दबंगों ने एक घर में घुसकर महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट की है। इसी के बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो वहीं पुलिस को मौके से 2 तमंचे भी बरामद हुए। इसी मारपीट का ये वीडियो है जो सामने आया है, जहां आप देख सकते हैं कि हाथ में लाठी डंडे लिए ये दोनों पक्ष आपस में लड़ रहे हैं। तो ये खबर अब रायबरेली से है, जहां राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में शनिवार को दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अब्दुल शाहिद ने किया और उद्घाटन सत्र के संबोधन के दौरान उन्होंने लोक अदालत की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जनता के लिए ये सशक्त प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर निस्तारित मामलों की कहीं और अपील नहीं की जा सकती। एक बार मामला निस्तारित होने के बाद वहीं पर समाप्त हो जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और डिस्ट्रिक्ट जज अब्दुल शाहिद ने बताया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में रायबरेली का परफॉर्मेंस प्रदेश में बहुत अच्छा रहा, इसीलिए राज्यपाल के द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। पिछले लोक अदालत में भी हमने 1,10,000 मामलों का निस्तारण किया था और इस बार भी लगभग 1,25,000 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। लोक अदालत में हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी मुकदमे न्यायालय में लंबित या किसी पक्षकारों के मध्य में कोई वाद उत्पन्न हो सकता है, प्री लिटिगेशन और पेंडिंग लिटिगेशन, इन दोनों वादों का निस्तारण हम लोक अदालत के माध्यम से करते हैं। हमारी विगत जो लोक अदालत हुई है उसमें 11,21,00,000 बैंक रिकवरी हुई है, 75,00,000 जो कंपाउंडेबल केसेस हैं फौजदारी के उसमें सेटल्ड हुए हैं, जो मोटर एक्सीडेंट के केस हैं उसमें 3,32,00,000 का क्लेम क्लेमेंट्स को मिला है, और जो चेक बाउंस के केसेस हैं उसमें 13,23,000 उनको दिलाया गया है, और जो अदर दीवानी के बाद है। और पुलिस का अधिकारियों पर सख्ती और जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर खबर है एरवा कटरा थाना क्षेत्र से, जहां पर थाना दिवस के मौके पर महज 12 शिकायतें ही आई हैं। इसमें से 7 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर थाने में पुलिस अधिकारियों के साथ लेखपाल और कानून को भी थाना परिसर में मौजूद रहे। और शहर को नक्शा मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे अभियान का असर आज एक बार फिर से देखने को मिला है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह साजवान के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत थाना भोजीपुरा के प्रभारी अखिलेश प्रधान, उप निरीक्षक प्रदीप चौधरी ने थाने पुलिस के साथ साथ मिलकर 2 अफीम तस्करों को पकड़ा है, जिनके पास से 2 किलो अफीम और 1 स्कूटी बरामद की गई। इसके बाद दोनों ही अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। खबर लखीमपुर के मितौली थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव से आ रही है, जहां पर जमीनी विवाद के चलते गांव के बाहर झोपड़ी डालकर रह रहे 73 वर्षीय शब्बीर की रात में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के पुत्र नबी मोहम्मद का यह कहना है कि उनका गांव के ही सोनू, नेमेश, पप्पू, संजय, गुड्डू और मुबारक से जमीन को लेकर काफी पुराना विवाद चल रहा था, लेकिन अभी तक लगभग 15 दिन पहले ही विपक्षियों ने उनकी झोपड़ी भी गिरा दी थी। इसी समय वो काफी विवाद हुआ था और उन्हीं लोगों ने मेरे पिता की हत्या की है। पुलिस का ये कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसी के आधार पर जांच की जाएगी और आगे कार्रवाई होगी। जमीन का मैटर था सर, इसमें ऐसा है कि ये जो जमीन लफड़ा चल रहा है, इस जमीन का बताया गया कि 80 साल के बाबा जी होके खत्म हुए तुम्हारी, उसके बाद 70-70 साल के बाबा दादाजी भी थे जिनकी स्क्वायर, उनका भी उम्र 73 साल है आज की डेट में, तब भी हमारा ही कब्जा, और 40 साल के हम लोग हुए तब भी हमारे यहाँ हुआ। इसमें आराम बिटोली बीच में आके कई जा करने के चक्कर में ये हमारी बीच में आके कई जा करने के चक्कर में ये हमारे
और जिले में बच्चों की शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नामांकन महाअभियान के द्वितीय चरण में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जमरुआ गांव के शिक्षा चौपाल लगाकर शिक्षा अधिकारियों और शिक्षकों द्वारा भारी संख्या में बच्चों का नामांकन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि आज के बच्चे ही कल का भविष्य है। शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करे और शिक्षा हर किसी का मौलिक अधिकार है। हमें और आपको मिलाकर ये तय करना है कि कोई बच्चा इस अधिकार से वंचित ना रहने पाए। आज हमारे जिला के हम लोग विद्यालय में जाते हैं तो वहां हमको रोका जाता है। अभी कोई सम्मानित वक्ता बता रहे थे, देखिए विद्यालयी व्यवस्था एकल व्यवस्था नहीं, मैं अपने सम्मानित अध्यापकों से दिखाना चाहूंगा, वो एकल व्यवस्था नहीं है कि हमारे केवल सरकारी तंत्र के जो सरकारी वेतन भोगी लोग हैं वही कर पाएंगे। सभी लोगों को मिलजुल के कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना होगा, समुदाय को। समुदाय अगर जा रहा है, अगर माताएं बहनें विद्यालय जा रही हैं तो हमारे सम्मानित अध्यापक सम्मान करें, अगर उनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनको सम्मान से बैठाएं, सम्मान से फीडबैक दें, बताएं। और सभी मैं सम्मानित अभिभावकों से भी आह्वान करना चाहूंगा, ग्राम प्रधान जी आपके मुखिया जी बैठे हुए हैं कि एसएमसी के अध्यक्ष भी बैठे हैं कि आप लोग विद्यालय और आम के बाग की रखवाली कर रहे बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यहां आपको बता दें कि बरेली के शाही थाना क्षेत्र के जनाई गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक बुजुर्ग को बाग की रखवाली करते समय उसके ही चचेरे भाइयों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। साथ ही आपको बता दें कि हत्या के पीछे की वजह शराब पीने से मना करना बताया जा रहा है। तो वहीं एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने बताया है कि थाना शाही में एक हत्या का मामला सामने आया जिसमें हत्या करने वाले दोनों सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों को जेल भेजा जा रहा है। अच्छा। जो जिन्होंने हत्या की वो चचेरे तेरे भाई थे, परिवार के ही थे। अच्छा, किस बात को लेकर मोटा मोटा झगड़ा हो गया होगा, इस बात के पीछे ये तो हमें भी नहीं पता, मोटा मोटा हो ही जाता है घर में झगड़ा कुछ बात लेके छोटी मोटी, इसी वजह उन लोगों ने जो कर दिया वो बाग में इतने रात में बाग रखा देते आम का, बाग में फिर वो उन लोगों ने रात में जाकर बाग में गोली मार दी। मुझे पता चला मम्मी ने हमारी गोली देख के आओ घर भी नहीं आए हैं अभी, तो भाई गया ये सुबह तो देखा जाके। अरे मैं तो रात 2 बजे आया था, रात 2 बजे काम से आया, बाहर था मेरे रखने, तो रात 2 बजे मैं आया था। 2 बजे आने के बाद में शाम घर पे भी हमारी लड़ाई हुई थी, मम्मी ने हमें नहीं बताया, ये नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। अच्छा। पापा हमारे जाके बाग में लेट गए, बाग में लेटने के बाद में कोई पता नहीं चला, फिर वो लोग घर पर लड़के आ गए थे, घर पर लड़ने जाने जाके बाग में जाके उन्होंने लेटे हुए थे दो आदमी थे, वो दोनों ने गिरा के उनके लिए गर्दन पकड़ के सिर पर रख के तमंचा गोली मारी थी। कौन लोग थे वो? हमारे गांव थाना शाही के अंतर्गत पुलिस को एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई है जिसमें गांव के दो व्यक्तियों शेर सिंह और मुरारी के द्वारा, जो दो सगे भाई हैं इनके द्वारा, मान सिंह की हत्या कर दी गई है जिनकी 63 वर्ष उम्र है, ये गोली मारकर इनकी हत्या की गई है। पुलिस द्वारा तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और दोनों ही अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। और जो प्रथम दृष्टया कारण नज़र में आ रहा है वो लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि बाग में ये रखवाली करते थे मृतक, और ये जो दोनों हैं ये शराब के नशे में और कुछ आम के बाग को लेकर इनके बीच विवाद हुआ। और सुल्तानपुर के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल बदमाश को 1 किलो 200 ग्राम अवैध गांजे के साथ पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। यहां थाना अध्यक्ष हलियापुर पुलिस टीम ने हिस्ट्री शीटर लाल साहेब उर्फ विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि रायबरेली अयोध्या मार्ग के आमघाट पुल बंद ढाबा के पास से उसे पकड़ा गया। इस पर लखनऊ और अयोध्या और सुल्तानपुर जिले में 1.5 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी में थाना अध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी, उप निरीक्षक अनिल कुमार तिवारी, हेड कांस्टेबल कुणाल गौतम, हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार और तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। तो
तो योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का पहला बजट 26 मई को पेश किया जाएगा। विधानसभा सचिवालय ने 23 मई से शुरू होने वाले इस बजट सत्र का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यूपी सरकार का यह बजट इस बार फोकस संकल्प पत्र में किए गए वादों पर ही रहेगा। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस बार युवाओं और किसानों को लेकर बड़े ऐलान कर सकती है। तो वहीं विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार बजट सत्र से पहले दिन करीब 23 मई को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों ही सदनों के समक्ष अभिभाषण पेश करेंगे। 24 और 25 मई को अभिभाषण पर चर्चा होगी और 26 मई को यह बजट पेश किया जाएगा। इस बजट में सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली की सौगात मिल सकती है। साथ ही इस सरकार पर सालाना 1845 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ने का भी आकलन है। इससे 2.38 करोड़ किसान परिवारों को लाभ भी मिल सकेगा। और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत खनन माफिया पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को 107 करोड़ की 125 संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। हाजी इकबाल एसोसिएट की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों की एसआईटी जांच कर रही है। साथ ही एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि संपत्तियों को चिन्हित करने के बाद हाजी इकबाल की अवैध रूप से अर्जित की गई 107 करोड़ रुपए की 125 संपत्तियां कुर्क कर ली गई हैं। ये भी बताया गया कि कुर्क की गई संपत्तियों का मिर्जापुर में थाना क्षेत्र में संपत्तियां हैं, जहां पर राजस्व विभाग की टीम के साथ साथ पुलिस इन संपत्तियों को शाम तक कब्जे में लेने की कार्रवाई करेगी। साथ ही एसएसपी ने यह भी बताया है कि हाजी इकबाल ने अनेक बेनामी संपत्तियां अपने रिश्तेदारों और नौकरों के नाम की हैं। पुलिस ने अभी तक हाजी इकबाल की 128 करोड़ की 174 संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई की है। बाकी संपत्तियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। और वहीं अब इस मामले में अभी भी हाजी इकबाल और उनके बेटे जावेद वाजिद को और फजल फरार बताए जा रहे हैं। हाजी इकबाल और उनके बेटे जावेद और वाजिद आलिशान अफजल सहयोगी पूर्व ब्लॉक प्रमुख राव लायक और नौकर रसीम के खिलाफ मिर्जापुर थाने में गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई थी। इसी मामले में राव लायक और नसीम की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहां पर तिलक समारोह में शामिल होकर मैनपुरी से लौटते वक्त चार दोस्तों की कार थ्रेशर लगे एक ट्रैक्टर में टकरा गई। यह घटना सिरसागंज के मकनपुर गांव के पास की है, जहां पर हादसे में सवार कार सवार चारों ही लोग थ्रेशर सवार तीन लोग समेत सात लोग घायल हो गए हैं। सभी को सैफई के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इटावा दोस्तों और मैनपुरी निवासी एक थ्रेशर सवार की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार युवक दयानंद थाना सिविल लाइन में शुक्रवार को अपने पड़ोसी के दामाद की बहन के तिलक में शामिल होने के लिए जनपद मैनपुरी कार से गया था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सभी कार से रात को करीब 12 बजे इटावा से निकले और रास्ते में करहल सिरसागंज रोड पर गांव मकनपुर के पास थ्रेशर मशीन लगाकर आ रहे ट्रैक्टर में कार पीछे से घुस गई। बता दें कि इस दुर्घटना के दौरान कार सवार चारों दोस्तों की मौत हो गई है और ट्रैक्टर के थ्रेशर मशीन पर सवार तीन युवकों समेत सात लोग घायल हो गए हैं। इसी के साथ ही सभी को मेडिकल यूनिवर्सिटी सैफई में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान कार सवार अंकित धीरज तेजपाल और थ्रेशर सवार शिवराम सिंह रामगोपाल निवासी मोहल्ला तपान की मौत हो गई है। तो वही अब खबर भोपाल से है, जहां भोपाल के कमला नगर थाने से खबर सामने आई जब एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आपको ये भी बता दें कि इस युवक ने सुबह 5:30 बजे बिछाना वाले कंबल को फाड़कर रस्सी बनाई और उसके बाद फांसी लगा ली। बता दें कि मृतक गोलू सारथी कमला नगर थाना क्षेत्र के सबरी नगर का रहने वाला था, जिसे उसकी भाभी की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। और एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने एक बयान दिया है, जिसके बाद कांग्रेस में
खलबली मच गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई पद बिकता नहीं है बल्कि लोकतंत्र प्रक्रिया के तहत चयन होता है। उन्होंने ये भी कहा कि NSUI का प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात बीजेपी के कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, इसलिए शपथ लेने से पहले मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये बात चैट वायरल होने के मामले में सफाई देते हुए कही। साथ ही ये भी कहा गया कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं और कुटरचित चैट करके उनके साथ उनकी चैट वायरल करके और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि चैट में कोई इंटरफेस नहीं शो हो रहा। कहा गया है कि अगर उनके पास पैसा होता तो दोपहिया वाहन से नहीं बल्कि चार पहिया वाहन से घूमते। हमने तत्काल प्रभाव से साइबर सेल में शिकायत जाके करी। ये वो शिकायत की कॉपी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरी कोई छवि को धूमिल करने का काम कर रहा है। आप तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई करके इसको गिरफ्तार करने का काम करें। अभी तक लेकिन साइबर सेल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। साइबर सेल ने समय मांगा है, फिर भी लगातार मेरी छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। ये स्पष्ट है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के या उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो मेरे 6 दिन के बनने में ही घबरा गए हैं। उनको ये बात नहीं पच रही है कि किस प्रकार से एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का जो कि पिछड़ा वर्ग से आता है वो इतने बड़े पद पर आसीन कैसे हो गया। यही बात किसी को नहीं पच रही है। इसीलिए किस प्रकार से मेरे बनने में ये अड़ंगा डाला जाए, इसी वजह से ये सारी चीजें जो हैं वो मेरी छवि को धूमिल करने के लिए, मेरे को आगे दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए ये सारी चीजें करी जा रही हैं। ध्यान में आ कल रात को आरोन के जंगल में अज्ञात आरोपी शिकारियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। इसमें सब इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिसकर्मी मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जबकि आपको बता दें कि कल रात को ही पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोन क्षेत्र सरहोक में जंगल बरखेड़ा और साफा बरखेड़ा के बीच अज्ञात शिकारियों द्वारा हिरण और मोरों का शिकार किया जा रहा है। इसी पर जब सब इंस्पेक्टर राजकुमार जाटा, प्रधान आरक्षक नीरज भार्गव, एक आरक्षित सहित प्राइवेट रात को पुलिस गश्त वाहन चलाकर लाखनगिरी जंगल में सर्चिंग के लिए पहुंचे, जहां शिकारियों द्वारा उन पर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। वाहन चालक लखनगिरी गंभीर अवस्था में घायल हो गए, जिसे गुना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने वन विभाग अधिकारी और मौके पर पहुंचे मौजूदा पुलिस द्वारा आरोपियों की सघनता से तलाश की जा रही है। साथ ही मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा कैबिनेट मंत्री, गुना जिला प्रभारी प्रद्युमन सिंह तोमर ने भी घटना की घोर निंदा की और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान दिया कि ये बड़ी ही दुखद और हृदय विदारक घटना है। कहा यह भी गया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने अपराधियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। तो वही सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा संचालित सदगुरु नर्सिंग कॉलेज की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। छात्रा कॉलेज हॉस्टल में अपनी छोटी बहन के साथ रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। और आपको बता दें कि यह मामला चित्रकूट के सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा संचालित सदगुरु नर्सिंग कॉलेज का है। यहां पर एक जहरीला पदार्थ खाकर इस लड़की ने आत्महत्या की है, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन द्वारा छात्रा के पारिवारिक जनों से एक साथ उन्होंने पुलिस को जानकारी दी और जानकारी मिलने के तुरंत बाद ही मृतका छात्रा के परिवार जन चित्रकूट पहुंच गए, जिसके बाद SDOP राजेश जैन ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और साथ ही साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि घटनास्थल पर पहुंचकर छोटी बहन के साथ ही अन्य छात्राओं के बयान भी लिए गए। और इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह द्वारा 13 मई 2022 को टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा के ग्राम चंदेरी में घर चलो अभियान के तहत जनसंपर्क किया गया। इस दौरान जनता में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अजय सिंह यादव का भारी उत्साह से ग्रामीण जनों द्वारा स्वागत किया गया है। इस दौरान लोगों में कांग्रेस पार्टी के प्रति भारी उत्साह भी दिखाई दिया और इसके साथ साथ श्री यादव को कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
कांग्रेस पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों से अवगत कराया गया और उन्हें दूसरी तरफ भाजपा सरकार में बढ़ते हुए अपराध, गांव में भारी बिजली संकट, डीपी बंद होना और पेयजल की भारी समस्याओं और भारी भरकम वसूली के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश दिखाई दिया है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज़।